हम सत्संग में क्यों आते हैं? बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, सत्संग में क्यों बैठे हैं? दृष्टि बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर गुरु ने प्रेम का किनका भर दिया गुरु नानक ने तरस करके, दृष्टि बदल जाएगी। और दृष्टि बदल जाए यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। दृष्टि बदल गई, सृष्टि बदल जाएगी आपके लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, जिसकी शरण में बैठे हैं वो तरस करे, ये ज्ञान भीतर भर दे कि दृष्टि बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये प्रकरण ना बड़ा ही थोड़ा सा गहरा है और बड़ा ही कमाल का है। इसके बड़े सारे अलग 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 इसके पॉइंट्स हैं। अगर ये समझ में आ गई ना बात, गुरु मेहर करे तो हो सकता है, गुरु मेहर करे हो सकता है कि आज से ही सोचने का थोड़ा तरीका बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु, धन गुरु नानक। जवाब दे दिया सवाल का। सवाल क्या है? अगर सुखी आदमी को सब जगह सुख दिखाई देते हैं, दुखी आदमी को दुखी, तो सुख मिले कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ता बताया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, संत संग जा का मन शीतल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ओ जाने सगली ठांडी, जिसे संतों की संगत प्राप्त हो गई, महापुरुषों की संगत प्राप्त हो गई, उनका मन शीतल शांत हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जिनका मन शांत हो जाता है उन्हें सारे शांत दिखाई देते हैं। ओ जाने सगली ठांडी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ता बता दिया है, अगर सुख चाहिए संतों की संगत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतों की संगत, संतों के शरीर की संगत नहीं, संतों के वचनों की संगत।